सोशल डिस्टेंसिंग के ये कार्यकाल में अपने आप को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, रोड पे कोई आता नहीं है, और लोगों को चिंता है भी करना क्या है। इसके अलावा काफी सारी चिंता है लोगों को है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग कहा है, सोशल डिस्कनेक्ट नहीं कहा है। सोशल डिस्कनेक्ट होने से हम बच सकते हैं या डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, कैसा? हम सभी हमारे फैमिली मेंबर्स जो है, जो दूर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो उनसे बात करके हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। एक दूसरा व्यक्ति क्या डील कर रहा है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, उसको क्या सपोर्ट चाहिए, तो इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को आपने बहुत महीनों से या सालों से बात भी नहीं की होंगी, वो होंगे आपके रिलेटिव्स जो सिर्फ सुख दुख में पास में आते हैं, कोई डेथ हो गई तो आते, नहीं तो बात भी नहीं करते। ऐसे भी होंगे दूर के रिलेटिव्स, तो वो है अपने स्कूल के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है, उनसे आप बातचीत करके कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, दूसरे के जीवन में एंट्री कर सकते, प्रवेश कर सकते, सपोर्ट कर सकते। खुश होना या दुखी होना ये आपका चुनाव है और ये आपके चुनाव का परिणाम है। कुछ लोग खुश हैं, खुश इसलिए कि बोले चलो आराम हो रहा है, मस्त, अभी तक इतने सालों में कभी ज़िंदगी में कभी आराम किया नहीं था, अभी बहुत आराम है, अब भाई पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है, कुछ नए आइटम सीख रहे हैं, तो बहुत खुश है। और कुछ लोग दुखी है कि हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ लोग दुखी है कि भाई क्या होगा आगे चल के, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, फोबिया है, और उसकी वजह से दुखी है, घर में रह के चिड़चिड़पन आ रहा है उनको, घर में रह के दो दो बातें सुन रहे हैं, आपस में अनबन हो रही है क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आ रहे, अनबन होना, एक दूसरे का मत नहीं पटना, डिबेट होना, ऐसे भी होता है। तो कुछ लोग दुखी है, कुछ लोग खुश है, चुनाव आपका है कि आपने क्या करना है। देखो, कनेक्शन आप फैमिली मेम्बर से बना सकते हैं अच्छे, जो कभी फैमिली मेम्बर सिर्फ लंच पे या डिनर पे एक दूसरे से मिलते थे, अभी एक दूसरे को दिन भर मिल रहे, बातचीत कर रहे, एक दूसरे को सुन रहे। अभी करना क्या है, सुनना चालू करना है, एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करने का है। हो सकता है कि ज़्यादा इतना एक दूसरे में सहवास हो रहा है, मतलब आपस में मिल रहे जुल रहे, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसएग्रीमेंट होते हैं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपने रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, झंझट झगड़े बिल्कुल करने का नहीं है। इतना ही बोल सकते कि मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, आई डिसएग्री, वॉट एवर, तो ये आपको देखना है। फिर आपको टीवी चैनल से और न्यूज़ से दूर रहने का है। हाँ, दिन में सवेरे 10 मिनट देख लिया, शाम को 10 मिनट देख लिया, बहुत हो गया, क्योंकि निगेटिविटी इतनी आ रही है दिमाग के ऊपर और वो निगेटिविटी आपको ज़्यादा चिंतित बनाती है, निगेटिव थॉट्स काफ़ी सारे आते रहते हैं, पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है, अभी बीमारी ने बहुत भयानक रूप धारण किया हुआ है, अभी 800 मरीज हो चुके हैं, एक दिन में 150-200 लोग अभी डायग्नोज हो चुके हैं, मतलब ऐसे जब अपने दिमाग में न्यूज़ आती रहती है तो और ज़्यादा निगेटिविटी आती है। तो इसके बदले बोल सकते हैं कि ठीक है, अभी रोड पे ट्रैफिक कम है, सिर्फ 100-150 लोग ही अभी नए डायग्नोज हो चुके हैं, मतलब देखने का बोलने का तरीका भी अलग हो सकता है, मगर वो करते नहीं है चैनल्स, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के और एकदम पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और वो बोलते रहते हैं, उसमें और डर लगता है। अभी इसमें देखना है आपको, कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक और कोई भी न्यूज जो है उसकी रियलिटी देखना है, अफवाहों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। रशिया ने 500 शेर रोड पे छोड़ दिए, फिर अभी वैक्सीन नया निकला हुआ है, फलानी दवाई ले लो तो अच्छा हो जाएगा, है ना, और फिर 25 लाख लोग अभी ये बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे आने वाले 2 महीने में, मतलब ऐसे कुछ तो भी मैसेजेस जो आ रहे हैं वो बहुत डरावने होते हैं। तो कोई भी आप फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी मैसेज देखते हैं तो उसका पहले रियलिटी क्या है चेक करो और कृपया उसको फॉरवर्ड मत करो। अभी समय है फिजिकल फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस करो, खान पान में भी कंट्रोल करो, एक्सरसाइज अच्छी घर में करो, और ऐसा बोला जाता है कि कोई भी आपको अच्छी हैबिट लगाने का है तो 21 दिन तक करना पड़ता है। यदि आपको एक्सरसाइज की हैबिट नहीं होंगी तो अभी रोज़ एक्सरसाइज करो, रोज़ एक्सरसाइज करो, 21 दिन तक आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो ना, उसकी आपको हैबिट लग जाएगी। और जो बुरी चीज़ है उसकी हैबिट तोड़ना है तभी 21 दिन मत करो, जैसे टीवी देखना 21 दिन मत देखो,
व्हाट्सएप फेसबुक 21 दिन मत देखो, उसकी हैबिट निकल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को इंटरनेट की व्हाट्सएप की आदत लगी हुई है, एडिक्शन है। रोज लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर पहले थे, ये कार्यकाल चालू होने के पहले भी, तो वो हैबिट तोड़ना है तो ये अभी काम है, मतलब ये समय ये वक्त है। किताब पढ़ने की हैबिट लगाना है, एक्सरसाइज की हैबिट लगाने का है तो वो कर सकते हैं। अभी आपके पास में वक्त है, ये कभी वक्त इसके पहले आया नहीं था, भगवान करे ये वक्त इसके बाद में कभी आएंगा भी नहीं, तो भी ये वक्त आया हुआ है उसका फायदा उठाओ, ये अपॉर्चुनिटी है। नई हॉबी सीखने का, इंग्लिश सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक का पेज तैयार करना है, गूगल का पेज तैयार करना है, वीडियो बनाने का है, एडिटिंग करने का है, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं कि जो आपने कभी किया नहीं होगा, और वो आप मतलब कोई भी नई पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी सारे हैं वो आप सीख सकते हैं, तो ये मौका है। देखो ये समय निकल जाएगा, मगर लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, लोगों को फोबिया है, कुछ लोगों को इतना फोबिया है कि घर के बाहर निकल नहीं रहे, मगर घर के बाहर नहीं निकलना ये एक अलग बात है, मगर इतना फोबिया है कि वो फ्रीज हो चुके हैं, वो मतलब खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे भी मुझे फोन आ गए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, इतना डर। कुछ लोगों को पैनिक अटैक आ रहे, सीने में धड़कन, हाथ थरथरना, पसीना आना, कुछ लोगों को डिप्रेशन आया हुआ है कि अभी कैसा होगा आगे चल के। देखो ये भी वक्त निकल जाएगा, ये वक्त कोई जिंदगी भर रहने वाला है नहीं, बाउंस बैक करने का भी टाइम है कि भाई ये काम ये वक्त निकल गया तो मैं इसके बाद में बाउंस बैक करूंगा, और उसका प्लानिंग आपको करना जरूरी है कि भाई मैं क्या नया प्रोडक्ट लाऊंगा मेरे बिजनेस में, क्या नई स्ट्रेटेजी लाऊंगा, उसका प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग वो आप कर सकते हैं कि भाई किसको किसको सलाह कर सकते हैं, किसका कोचिंग ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और लोगों से प्लानिंग लेके आप आपका खुद का प्लानिंग कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्सेस है बिजनेस के बारे में, कैसे बढ़ाना बिजनेस वो आप देख सकते हैं, कोई नए वेबिनार्स चालू है वो आप अटेंड कर सकते हैं, और खुद का डेवलपमेंट अभी करना है और बिजनेस का डेवलपमेंट आगे कैसे करना है उसके बारे में नया ज्ञान लेना है। अभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, घबराहट, बेचैनी, ऐसे काफ़ी सारे बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाएंगे। कुछ मैंने सुना है कि लोग इतने डिप्रेस हो गए कि एक ने सुसाइड कर दिया, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई ऐसा कोई आसमान नहीं फटेगा। अभी तक आपने इतनी सारी कठिनाइयां जिंदगी में सहन करके आगे बढ़ चुके हैं, ये भी एक कठिनाई है, इसको भी पार करके आप अपनी जिंदगी आगे अच्छी तरह से जी सकोगे। ये विश्वास के साथ यदि आप रहते हैं तो डेफिनेटली आगे अच्छे दिन आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपने आप को ये वक्त में रिलैक्स रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।